लॉटरी लगी है क्या? मेरी लॉटरी तो उस दिन लगेगी जिस दिन तेरी शादी पक्की हो जाएगी। अजी आप कहाँ हैं? अरे बाबा मैं यहाँ हूँ। सुनिए तो बड़ी गजब की खुशखबरी लाई हूँ। कमाल हो गया, मालती के पड़ोस का मकान बिक गया। पूछोगे नहीं किसने खरीदा? बताना जरूरी है तो सुन लेता हूँ। बहुत जरूरी है। एक रईस नौजवान ने, मालती कह रही थी वो बहुत खूबसूरत है, लंबा चौड़ा शानदार। नाम क्या है? रवि चोपड़ा। शादीशुदा है? हेलो अजी, कवारा है, कवारा कवारा और रईस, हमारी बेटियों के तो भाग खुल गए। क्या उठपटांग बकती हो, हमारी लड़कियों का उससे क्या वास्ता है? मिस्टर आनंद, तुम रहे बुद्धू के बुद्धू। अजी हमारी चार लड़कियों में से किसी एक के प्रेम में वो पड़ गया तो बस बात बन जाएगी। क्या यही सोचकर उसने ये मकान खरीदा है? ओफो, अब अनजान बनने की जरूरत नहीं। देखो मैं तो कहती हूँ कि तुम आज ही जाओ और उससे मिलकर परिचय बढ़ा लो। मैं मिलकर क्या करूँगा? तुम ऐसा करो, मालती के साथ जाकर उससे मिलाओ, और मेरी मानो तो तुम भी मत मिलो। क्यों? वो इसलिए कि अगर कहीं उसने तुम्हें पसंद कर लिया तो। देखो देखो, ताने मारने की जरूरत नहीं है, मैं भी अपने समय में कुछ कम नहीं थी। हाँ, मालती कह रही थी वो अगले हफ्ते एक बड़ी सी पार्टी देगी, उसमें वो उसे भी बुलाएगी और हम सबको बस परिचय हो जाएगा। भाई तुम मुझे तो माफ करो, तुम जानती हो कि मुझे ऐसी पार्टियों में कितनी तकलीफ होती है, और वो भी रईसों की पार्टी में। अजी वो रईस है तो क्या हम भिकमंगे हैं? IAS में बैठ गए होते तो कहीं की कमिश्नर होकर रिटायर हो गए होते, लेकिन तुम पर तो प्रोफेसरी का भूत सवार था ना। लेकिन सुन लो, मैं अपनी बेटियों को किसी ऐसी वैसी जगह नहीं जाने दूंगी। हाँ, हमारी रेखा तो ऐसी वैसी जगह जाएगी ही नहीं। क्यों, रेखा में क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? बस बाल की खाल निकालती रहती है तुम्हारी तरह। ना तो वो रूपा की तरह सुंदर है, ना रूही की तरह खुशमिजाज। सबसे ज्यादा जहीन है हमारी रेखा, समझी? अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है, दिमाग का, ये नहीं कि जब देखो कपड़े जेवर पार्टियां हैं। हाँ हाँ हाँ, इस घर में तो बस तुम ही दोनों होशियार हो, बाकी सब लोग तो घास खाते हैं। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे कुछ कहती हूँ। हराम, सिर की नसें दर से फटी जा रही है, पर तुम्हें क्या, फटे तो फटे। अरे भाई भला नसों को हम ऐसे कैसे फटने देंगे? 25 साल पुराना साथ है। तुम ऐसा करो जरा घूम कर बैठो, घूमो, मैं तब तक पट्टी निकालता हूँ। हाँ, बस बस ठीक है, ये लो अभी बांधे देता हूं, थोड़ी देर में सारा दर्द हवा हो जाएगा। हाँ, दर्द हवा हो या ना हो, तुम्हारी बातें सुनके लड़के जरूर हवा हो जाएंगे। हे भगवान, मेरे चार चार लड़कियों की नैया कैसे पार लगेगी? जैसे तुम्हारी लगी है मैडम। अरे इस दुनिया में हम जैसे समझदार लोगों की कमी थोड़ा ही है, लेकिन हाँ अगर अमीर समझदारों से तुम्हारा मतलब है तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये लो बना मेरा वर्ड डो। ट्रिपल वर्ड, ट्रिपल लेटर। अब तुम्हारी बारी है। मेरा पला ऑक्स, ये लो। मुझे तुम्हें मिले 11 पॉइंट। रूही 11 कैसे? रूही एक मिनट रुको, मेरी बारी है। तुम जीत रही हो ना? हाँ, तो मैं तुम्हें मदद करती हूँ। रूही क्या? अच्छा अच्छा रुको, मेरी बारी है। H-E-T ट्रिपल वर्ड्स को 33 पॉइंट्स मिले मेरे को। क्या होता है? हाइक। सोई नहीं? कॉफी बनाओ। नींद नहीं आती तो सोऊंगी कैसे? दिमाग परेशान हो तो किसी को नींद आ सकती है। अरे मेरा सिर। काहे की परेशानी है आपको? अरे एक परेशानी हो तो बताओ। उठ रही रीता, बैठने दे। माँ हर वक्त तंग करती रहती हो, पढ़ने भी नहीं देती। सिर दबा मेरा। हाँ, जो कहो उसका उल्टा बोलते हैं। बेचारी मालती पार्टी दे, खर्चा करे, लोगों से मिलवाए, और इनका वहां जाने का भी नखरा। आइए पापा। हेलो बेटे। हरा मेरा सिर। पापा अच्छा हुआ आप आ गए, मेरा आर्टिकल पूरा हो गया है। आप अभी पढ़ेंगे या बाद में? पढ़ेंगे बेटे, बाद में पढ़ेंगे। वैसे रेखा,
अमीर समझदारों को पढ़ने पढ़ाने का शौक होता है क्या? हाँ, लेकिन पार्टियों का जरूर होता है। जब तुम्हें उस पार्टी में जाना नहीं तो उसके बारे में बातें करने से फायदा? पड़ोसन तो पार्टी की साड़ी भी खरीद लाई होगी, प्रेमा को खूब सजा कर ले जाएगी। कौन सी पार्टी मम्मी? हम भी जाएंगे। जाओगी तो तभी ना जब तुम्हारे पापा घर से हिलेंगे। इसी दिन के लिए तो एक बेटे को रोती रहती हूँ, आज भाई होता तो साथ न ले जाता अपनी बहनों को। रौनक सिंह, बेटे तुम कहाँ अटक गए? तुम्हारी माँ तुम्हें रोज याद करती। रेखा, भगवान के लिए बस बेवक पागलों की तरह से मत खासा कर, मेरे सिर की नसें दर्द से फटी जा रही है। और ये खांसे जा रही? बेटे जरा सोच समझ कर खांसा कर। मुझे तुम्हारी तानेबाजी नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ। वैसे रेखा, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा आर्टिकल मिसेस कपूर के पड़ोसी को जरूर पसंद आएगा। हाँ, खबरदार जो उसका नाम लिया तो मेरे कान पक गए हैं सुनते सुनते। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, मैं बेकार ही वहां गया। खैर अब क्या हो सकता है, अब तो जान पहचान हो ही चुकी है। आराम, तुम वहां मिल कर आए, पहले क्यों नहीं बताया? कैसा है लड़का, बहुत अच्छा होगा, मुझे पहले ही पता था तुम वहां जरूर जाओगे। अब भला तुम नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा? रूपा, जा पापा के लिए एक कप गरम कॉफी बना ला, जा जा, थक गए होंगे। नहीं, कॉफी कमरे में भिजवा देना। चल बेटा, तेरा आर्टिकल देखें। हाँ, और हाँ रीटा, बेटे अब तुम खांस सकती हो। हाँ, तुम्हारी मम्मी के सर का दर्द उड़नचू हो गया है। कितने अच्छे तुम्हारे पापा तुम लोगों को कितना प्यार करते हैं। और सुनो लड़कियों, उस पार्टी में अच्छी तरह साड़ी पहनकर चलना, ये तुम लोगों की उटपटांग ड्रेस नहीं चलेगी। भाभी जी, आज भी देखिए आनंद साहब नहीं आए। मैं सब छोड़ी ना उनको अभी। वो तो ईद का चांद हो गए हैं। ओ, उनको हो जाने दीजिए ईद का चांद, अपने चांद के बारे में बात कीजिए। हाँ। आज तो सुबह से सजने में टाइम लग गया होगा। खाना किसने बनाया? भाई ये सजा रही थी और खाना मैं बना रहा हूँ। बोलते हैं आप, ये जाके आनंद साहब से झगड़ा करेंगी। आइए 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 सुशीला जी। नमस्कार। और भी संगीत का बात कैसे? आइए प्लीज। भाई लड़कियों, ये है मिसेस सुशीला जी, मेरी ब्यूटिशियन। मैं तो सब अपना इन्हीं से करवाती हूँ, तुम लोगों को जो भी टिप्स लेने हो ना इनसे ले लेना। अरे भाई तुम्हारे मेहमान नहीं आए, बोले क्या बात है? बस आते ही आज अहमदाबाद तो क्या, मैंने उन्हें भी बुला लिया। ये तो बहुत अच्छा है, सब आते होंगे। अच्छा सुन, यहाँ तो आओ, क्या वक्त बार बार जाए? ठीक है, बच्चों को अकेले बैठने देख रही हो, प्रेमा को कितना सजा के भेजा है उसकी मम्मी ने। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी रूपा के सामने तो सब फीका है। वो तो ठीक है। एक मिनट। हाँ, तुम्हारी मम्मी कहाँ रह गई? जी बस अब आती ही होंगी। सुबह तो कह रही थी साथ चलेंगी। हाँ, लेकिन कुछ जरूरी काम से बाहर चली गई हैं, वहीं से आने वाली हैं। आएंगी जरूर। जी हाँ। अच्छा, मैं कहती थी ना वो कैसे पीछे रह जाएंगी। तुम्हें तो उनका नेचर मालूम है। आइए आइए तो प्लीज मिसेस कपूर, आप मुझे चोपड़ा साहब मत कहिए, मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, सिर्फ रवि कह रही हूँ। अच्छा, मेरी बहनों से थे आप। मीट माई फ्रेंड, दिस इज राहुल। राहुल, मिसेस कपूर, मिस्टर कपूर। आइए भाई आप लोगों का इनसे इंट्रोडक्शन करा दे। शी इज माई फ्रेंड लक्ष्मी एंड फोर लवली डॉटर्स, रूपा, रेखा, रूही, रीता, प्रेमा। मेरे पड़ोसन की लड़की है। नमस्ते। और ये है मिस्टर चोपड़ा और ये है मिस्टर मेहता। बैठो ना, आओ आ जाओ, बैठो। आओ भाई कुमकुम लीना, आओ भाई आप लोग प्लीज कंफर्टेबल। तुम लोग आपस में बातें करो। प्लीज बी कंफर्टेबल।
और आप ठीक हैं? भाभी जी आप भी आइए। कैसा लगा आपको हमारा बंबई शहर? Well, frankly speaking, यहाँ की गंदगी, शोर शराबा और सब भीड़ भाड़ देख के मेरा तो सर चकरा जाता है। You know, we are so used to living in big houses. आपका बंगला तो काफी बड़ा होगा। नहीं तो हमारे अहमदाबाद के बंगलों के सामने ये तो आउटहाउस जैसा लगता है। But I think you're very lucky to have a bungalow in Bombay. That's no problem. पैसे से तो हर चीज खरीदी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप हमारे पड़ोसी हो गए हैं। मालती आपकी बड़ी तारीफ करती रहती है। क्या मालती को पड़ोसी मिले हैं आप जैसे? वाह वाह वाह। अरे आज क्या बात है, मेरे समझ में नहीं आता। मेरे कपड़ों का रंग इनके कपड़ों के रंग से मिलता है और आपका ये हर कलर मेरी रूपा के रंग से मिलता है। और क्या बातें हो रही थी? बस ये भाभी जी बंगले के बारे में पूछ रहे थे। बहुत अच्छा बंगला खरीदा। अच्छा राहुल, May I join you, please? आइए जरूर। I must thank Mrs. Kapoor. आज इतनी अच्छी-अच्छी लड़कियों से मुलाकात करवा दी। You see, we were getting bored in this big city. पर रवि साहब, आपकी बहनों को तो ये शहर बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपकी क्या राय है इसके बारे में? Well, every city grows on you. और वैसे बॉम्बे तो इस बात के लिए मशहूर है। बिजनेस के सिलसिले में मैं यहाँ आया करता था। शहर तो ठीक है, यहाँ के लोग खूबसूरत, the beautiful people. देखो रवि का दोस्त कितना हैंडसम है। जैसा रवि वैसा ही उसका दोस्त। पैसे की तो पूछो ही मत, रवि से भी ज्यादा रईस है। सच? हाँ, चार चार फैक्ट्री है। हाँ? देश विदेश में बिजनेस करते हैं। शादी हो गई? नहीं जी, कुंवारा है। मैंने बातों बातों में रवि से सब पूछ लिया। दोनों बड़े पक्के दोस्त हैं। लक्ष्मी, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी एक नहीं दो दो बेटियों का मामला तय हो जाएगा। अरे मालती, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मुझे लगता है तुम जरूर मेरे पिछले जन्म की सगी बहन हो, वरना तुम तो जानती हो इन चार चार लड़कियों के मारे मेरा तो ब्लड प्रेशर। अरे मेरे होते तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई करती हो? अरे हमने तो दूसरों के रिश्ते तय कराए हैं, फिर तुम तो हमारी अपनी हो। चलो मैं भी आती हूँ। अच्छा, आप लोग अहमदाबाद के हैं? हाँ। अच्छा, वैसे वहाँ मेरे मामा भी वहीं रहते हैं। तुम भी कमाल करते हो यार, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों के होते हुए अलग अकेले खड़े हो। मुझे हर किसी से बात करने का शौक नहीं रवि। फिर सबसे खूबसूरत लड़की तो जनाब को पसंद आ गई। सो तो है। लेकिन उसकी बहन भी बड़ी खूबसूरत है, कहो तो मुलाकात करवा दूं? नो, नॉट इंटरेस्टेड, शी इज ओके। वो इतनी खूबसूरत भी नहीं जो मुझे आकर्षित कर सके। वैसे अभी मेरा मूड भी नहीं है जो उपेक्षित लड़कियों का मनोरंजन कर सकूं। वैसे तुम यहाँ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी पार्टनर तुम्हारा इंतजार कर रही है। गो एंजॉय योरसेल्फ, आई लुक आफ्टर माय सेल्फ। तुम नहीं सुधरोगे यार। मालती सुनो। हाँ, बोलो भाई। तुम तो जानते हो तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है, लड़कियां तो मेरी खरा सोना है, पर ये दहेज। अरे मारो दहेज को गोली, एक बार लड़के को लड़की पसंद आनी चाहिए। जहाँ प्यार का चक्कर शुरू हुआ बस समझो बात बनी गई। हाँ ये तो। अभी मैं जाके राहुल और रेखा को मिलवाती हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे जाना चाहिए। अभी तो आप आए हैं, अभी तो पार्टी में जरा जाना ही है। अरे नहीं, वी आर गोइंग टू मिस यू अ लॉट, प्लीज। क्या तू जा रहे हैं? वी आर रियली गोइंग टू मिस यू, प्लीज कम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Attention everybody. Now we are going to play a very exciting game. अच्छा, ये गेम बहुत ही यंग लोगों के लिए बना है, लेकिन आज हम सब यंग एंड नॉट सो वेरी यंग मिलकर इस गेम को खेलेंगे। इसमें आप सबके पास एक एक चिट है, आप अपने अपने जोड़े बनाइए बाहर दूसरे कमरे में और लॉन में। चीजें हैं, जो सबसे पहले लेके आएगा उसे फैंटास्टिक प्राइज मिलेगा। आइए भाई, नंबर वन मेरे पास है।
Number 2. Well, we are here. Number 4. Oh, that's me. मुझे ऐसे खेल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों? क्यों बेटे, खेलिए। आप ये चिट किसी और को दे दीजिए। अरे खेलो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। नो थैंक यू। बड़प्पन के बोझ तले आपका बचपन कहीं दब गया है राहुल साहब, ढूंढने की कोशिश कीजिए, शायद मिल जाए। इतनी बढ़िया पार्टी चल रही थी, सब लोगों को कितना मजा आ रहा था कि ये जनाब आ गए रंग में भंग डालने। अरे भाई, ये कोई जरूरी है क्या कि हर कोई बेवकूफी भरे खेल खेले? अजी नहीं खेलना था तो अपने घर बैठता। कौन उसकी खुशामत करने गया था? उसके रईसी से रौब खाने वाले हम नहीं। हाँ, नहीं तो बाल छुआ, मैं खुद कर लूंगी। अरे वाह, तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अभी कल तक तो तुम अपनी सहेली के साथ उसे छोटा दामाद बनाने की सोच रही थी। तब उसकी असलियत का हमें पता नहीं था। समझता क्या है अपने आप को? अजी घमंड तो रावण को ले डूबा, ये किस खेत की मूली है? ओफो मामी, अब उसे भूल भी जाओ, मारे अकड़ के तो उसकी गर्दन वैसे ही टेढ़ी रहती है। ऊपर से कहीं आपके नफरत के शोलों की लपेट में आ गया तो बेचारा कुंवारा ही रह जाएगा। हमारे जाने वो भाड़ में जाए। हमारी रेखा को ऐसे सिर फिरे घमंडी की जरूरत नहीं। क्यों रेखा? मामी प्लीज, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे शादी नहीं करनी है, न इससे और न किसी और से। तुम रूपा की फिक्र करो। अरे इसे तो कोई मांग कर ले जाएगा। जब ये पैदा हुई थी तो अस्पताल की नर्स ने कहा था, हुई तो लड़की है पर रूप रंग ऐसा जैसे रानी पद्मिनी। देखा नहीं, रवि की आंखें तो इसी पर लगी हुई थी। कैसा होनहार और शरीफ लड़का है। अजी मिसेस गुप्ता ने लाख चाहा कि वो किसी तरह से प्रेमा से दो बातें कर ले, पर उसे तो अपनी रूपा पसंद आ गई। इन्हें क्या तकलीफ है? आओ आओ, बैठो 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 बैठो। नमस्कार। नमस्ते। मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। कैसी लगी कल की पार्टी? इन लड़कियों ने तो बहुत एंजॉय किया। और तो सब ठीक था, मगर वो रवि का दोस्त मुझे पसंद नहीं आया। भला रेखा के साथ जोड़ा बना ही लेता तो कौन सा उसकी इज्जत में बट्टा लग जाता। ऐसे खपती आदमी की बात का क्या बुरा मानना। मालती के साथ तो आधा घंटा बैठा रहा, पर मजाल है मुंह से एक लफ्ज फूटा हो। बोलता तो था। अब बात के जवाब में हाँ ना तो करना ही पड़ेगा, उसको कोई बोलना कहते हैं। रवि को देखो, बोलता है तो मुंह से फूल झड़ते हैं। शुरू में दो चार बातें तो तुमसे भी की थी, है ना प्रेमा? हाँ आंटी, ही इज वेरी स्वीट, पर उसके दोस्त ने रेखा, अगर वो घमंडी अब कहीं मिल जाए तो उसकी तरफ देखना भी मत, समझी? अच्छा बाबा, इस घमंड शब्द को लेकर इतना हंगामा किस लिए? जिस इंसान के पास पैसा, इज्जत, खानदान, रूप और गुण होगा, उसे घमंड होना स्वाभाविक है। ठीक है दादी अम्मा, किसी दूसरे का अभिमान मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाए, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। स्वाभिमान तो हर इंसान की कमजोरी है रेखा दीदी। आज तक मैंने जो भी पढ़ा है यही कहता है कि दुनिया में बिरले लोग हैं जो अपने को अभिमान से बचा पाते हैं। किसी ना किसी रूप में हम सब इसके शिकार हैं। इसे जीतना भगवान के लिए भाषण बनकर। इट वॉज अ मोस्ट एंजॉयबल पार्टी। कितना मजा आया, फर्स्ट क्लास खाना, गेम्स, प्राइजेस, ऊपर से इतने सारे क्यूट लड़के। मम्मी कपूर आंटी से कहना वो हर हफ्ते ऐसी पार्टी दिया करें, और कोई जाए ना जाए मैं जरूर जाऊंगी। आइए आइए आनंद साहब। हेलो 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 हेलो, आई एम ग्लैड यू कुड मेक इट, आई एम ऑनर्ड। वाह, आते कैसे नहीं? आपने कार्ड भेजा था, फिर दो दो बार फोन किया था। ये तो आपकी मेहरबानी है जो हम लोगों को याद रखा। आना तो था ही, आपको कौन भूल सकता है। भाई यूं तो मैं पार्टियों में जाता हूं, लेकिन एक तो आपका आग्रह था।
और फिर हमारी श्रीमती जी की वो सहेली है ना मालती, उनसे मिलने का लोभ मैं संवरण नहीं कर सकता। आपके यहाँ जो पार्टी हो तो मुझे बुला लिया कीजिए। जरूर सब आए ना, मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। और सुनाओ भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है? अच्छा हुआ। अरे आइए 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 आइए। और भाई क्या हाल चाल है? आप भी दिल्ली से परसों ही आया? अच्छा मैं भी जाने वाला हूँ। अच्छा हाँ, और बस आपका बिजनेस? बिजनेस अच्छा, इसमें आना अन परसों। हेलो कैसे हैं? बस बस। अब वो किताब के बारे में पूछ रहे थे? हाँ वो किताब है मेरे पास, आप आइए। एक्सक्यूज मी, एक अभी बातें क्यों? अच्छा हुआ आप सब लोग आए। अभी ठीक है। मिसेज आनंद? हाँ। रूपा जी क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? बस मामूली सा बुखार है और कुछ नहीं है। नहीं तो वो जरूर आती। हाँ, और हम लोगों को तो वैसे भी घर देखना था आपका, तो चले आए। नहीं, नहीं, बड़ा अच्छा हुआ आप लोग आए। हाँ। और अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अब तो यही रहोगे ना? हाँ यही रहेंगे। और हाँ किसी चीज की अगर जरूरत हुआ करे तो मालती से मांग लिया करना, वो तो पड़ोसी ही है। देखा कितना अच्छा लड़का है, रूपा की कितनी फिक्र रखता है। पता नहीं मिस्टर घमंडीला बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। जाकर पूछ लो क्या इरादे हैं। राहुल, राहुल जी प्लीज हैव सम, ले लो, लो ना थोड़ा, कम ऑन। इनके इरादे नेक तो नहीं हो सकते। हाँ हम मिडिल क्लास लोगों की खामियां ढूंढ रहे होंगे। जब मैं गुप्तांग से बातें कर रही थी तो भी कान लगाए खड़े थे। पता नहीं तुम्हारी बातें अच्छी लग रही होंगी। मेरी बातें इन्हें देखती नहीं रवि की बहनें किस तरह इनके आगे पीछे घूम रही हैं। हेलो राहुल, कैसे हो? फाइन फाइन। रेखा से मिले? स्प्रिंग आ, चलो मिलवा देते हैं। आओ प्लीज। चनाब इधर ही आ रहे हैं कपूर आंटी के साथ। रेखा डियर कैसे हो? तुम्हारा नेचर का आर्टिकल पूरा हो गया? हां जी। राहुल यू नो रेखा इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। आंटी प्लीज। राहुल इफ यू डोंट माइंड हमारी कलाकार विद्या को जरा अपने दोस्त का गार्डन तो दिखा दो। आइए ना। नहीं आंटी मैं यही ठीक हूँ। I can show you the most beautiful flower. Really? Thanks, but please, Rekha, he really doesn't mind. चले जाओ ना। ये तो इनकी मेहरबानी है आंटी। इस वक्त मेरा गार्डन देखने का मन नहीं है। Excuse me. मुझे पता है आप यहाँ अकेले खड़े होके क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहा हूँ? इन stupid लोगों से अपनी जान छुड़ाने की तरकीब। बिल्कुल गलत। सच पूछो तो मैं खोया हुआ था। मैं सोच रहा था कि एक सुंदर चेहरे में दो बड़ी बड़ी गहरी आंखें चार चांद लगा देती हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये बड़ी बड़ी गहरी आंखें किस भाग्यशाली चेहरे की शोभा है जिन्होंने आपको कविता करने पे मजबूर कर दिया? रेखा आनंद। रेखा आनंद? ओह माय गॉड, वो कब से इतनी भाने लगी आपको? एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिठाई कब खिला रहे हो? लीना, मैंने मिठाई और शहनाई के बारे में कुछ नहीं कहा। औरतों की कल्पना शक्ति का जवाब नहीं। एक मिनट में प्रशंसा से प्यार, प्यार से शादी ब्याह पर दौड़ जाती है, फिर बधाई देने में देर नहीं लगती। अजी आप जिस तरह उन गहरी आंखों के पैमाने में डूबे हुए हैं, मैं आपको बधाई देने के सिवा और कर भी क्या सकती हूँ?